देश भर के मौसम को लेकर जान लें आज का अपडेट। भारत के कई राज्यों में ठंड का असर होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जिलों के तापमान में भारी गिरावट होने लगी है, तो वहीं कई जिलों में तापमान 10 डिग्री पहुंच गया है। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में देर रात और सुबह तड़के के समय सुबह जगहों पर हल्का कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवात बनने की संभावना है। ये चक्रवात नवंबर के बीच और अधिक तीव्र हो सकता है, ऐसा पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि इस चक्रवात का फिलहाल यूपी में कोई असर नहीं दिखेगा। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट से ठंड का असर बढ़ गया है। बीते दिन न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी घने कोहरे छाए रहने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में रांची समेत पूरे राज्य में तापमान लगातार कम हो रहा है। रांची का तापमान कम होकर 10 डिग्री पहुंच गया है। बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच रह सकता है। इसके अलावा असम, मेघालय और मणिपुर में भी मूसलधार बारिश होने की आशंका है। नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश हो सकती है। किसान तक खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है।